सो हे गाइस, आज मैंने सोचा है कुछ बनाऊं, क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन है, हर तरफ के बंद रहता है, सब्जी मेरे पास नहीं है। शायद ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी होता होगा, इसलिए मैं सोचा कुछ शेयर आपके साथ ही करूं। तो मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ का कड़ी। जो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए पापड़, चाहिए आलू, प्याज, जिंजर, जीरा, धनिया पाउडर जो कॉमनली सबके पास होता है, और मिर्ची सीखे के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। फिलहाल ये भी देखिए मेरी रूही क्या कर रही है, ये यहाँ पर खाने के साथ एंजॉय कर रही है। से हेलो, सो लेट्स सी गाइस। ये इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा जिंजर ले लिए, हाफ टी स्पून होगा, और एक छोटा सा अनियन, और एक बड़ा अनियन तड़का के लिए, मिर्च में दो ऐसे डालूंगी, दो पेस्ट में डालूंगी। और ये है पापड़, तो मैं छोटा छोटा पीस करके इसको फ्राई कर लिया, और यहाँ पर मैं आलू जो इसको भी फ्राई कर लिया। तो अभी मैं करूँगी पेस्ट के लिए ये जिंजर डाल देती हूँ, और ये अनियन डाल दीजिए मैं, और दो पीस में डाल देती हूँ, और ये मेरा जीरा धनिया पाउडर दो टेबल स्पून, थोड़ा हाफ हाफ करके और खत्म हो गए, इसलिए ये मैं डाल दिया, टू टेबल स्पून होना चाहिए, हाफ हाफ कर दिया। तभी इसको करूँगी मैं पेस्ट। सो गाइस, ये पकने के नहीं पकता है ना, ये बहुत ही बोरिंग टाइम होता है, कब होगा ऐसा लगता है ना, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे उतना पकाना नहीं आता है। फिर भी थोड़ा बहुत 4 साल लगा है मुझे ये सब थोड़ा थोड़ा सीखने में। ये देखिए पूरा ब्राउन हो चुका है, अच्छा है ना। ये सब ब्राउन होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डालेंगे जो पेस्ट। ये अच्छे से पक गए, देखिए आप देख सकते हैं ना। तो अभी हम लोग डालेंगे पेस्ट, एंड 1 2 3। तो गाइस, इस टाइम में एक झांस भी आते हैं ना नाक में, हाँ छी जैसा आ जाता है। तो इसको भी थोड़ा पकने के लिए छोड़ेंगे, और डालेंगे रेगुलर थिंग सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, एंड और कोई नहीं दूसरा है हल्दी। ये दो चीज़ तो हर चीज़ में चाहिए होता है मोस्टली, अगर आप बॉयल ही बनाओगे तो बॉयल बनाएंगे तो हल्दी का कोई ज़रूरत भी नहीं होता है। तो ये अच्छे से पक जाए, ये तेल छोड़ जाए, ये देखिए अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गए हैं, रेडिश रेडिश कलर। मैंने लाल मिर्ची तो यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं आपके सामने ही। सो अच्छे से ये पक गए, अभी हम लोग डाल देंगे हमारे आलू फ्राई। तो पहले आलू फ्राई करके करने से क्या होगा, कलर जो आता है ना, अच्छा कलर आता है करी का, आप देख सकते हैं, वो लाल मिर्च कलर रेड कलर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं आता है। तो अच्छे से इसको भी भून लेती हूँ। तो भूनने जाओ, ऐसा लगता है कभी कभी डालू और मैजिक से हो जाए तो अच्छा होता है ना, मेरा तो फिर भी इनका है, इनका शौहरत है तो टाइम तो लगाएंगे ही। तो अच्छे से पकेगा भी नहीं तो टेस्ट भी नहीं लगेगा, तो फिर भी लॉकडाउन का टाइम है तो कैसे भी कोई कुछ इतना होगा नहीं आप लोगों को शायद, तो धीरे धीरे फ्राई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो डालेंगे पानी, अच्छे से ये उबल जाए, ज़्यादा स्टेप नहीं है गाइस, नॉर्मली जैसा ये आलू डालना, ये तो रेगुलर है, तड़का मारना, तड़का के मार सब्ज़ी मारना, सब्ज़ी के मार पानी मारना, वैसे ये सेम है, सिर्फ सामान अलग है बस।
एक्स्ट्रा कुछ चीज़ भी यूज़ नहीं होता है तो अच्छे से ही उबल जाए थोड़ा। उबलने के बाद जब थोड़ा पानी सूख जाएंगे, क्योंकि इस कड़ी में हम लोग ग्रेवी नहीं रखेंगे, तो ये अच्छे से उबल चुके हैं, आलू भी अच्छे से पक गए हैं, तेल भी छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं ना, कलर भी अच्छी है, हेल्दी खाना है गाइस। ज़्यादा खाओ, ज़्यादा वैली वे सब मसालेदार खा के मुँह में टेस्ट लगेगा किंतु बाद में हेल्थ में पैसा जाएगा। तो ये देखिए पापड़ मैंने डाल दिया, थोड़ा ग्रेवी रखी हो तो ये पापड़ उसको सोख लेके उसको नरम कर देगा। तो ये देखिए पापड़ को ज़्यादा टाइम नहीं उबालेंगे, थोड़ा टाइम ही, जस्ट इसको भिगा के नॉर्मल कर देना है। तो देखिए मैं कर लेती हूँ, ये हो गया रेडी। तो गाइस अगर आप गरम मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास गरम मसाला पाउडर था, थोड़ा मैं यूज़ कर लेती तो अच्छा एक स्मेल आते हैं। वाओ अच्छा स्मेल है गाइस, देखने में भी थोड़ा टेस्टी है। आप लास्ट में एक दो आलू को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, के बाद वो अच्छा अच्छा एक स्ट्रक्चर ले लेगा। देखिए यमी यमी है, ये ड्राई वाला कभी है, नाइस है इसमें।